सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। लंकापति, आप यहां? हाँ महाराज, हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। नहीं नहीं लंकापति नहीं, मैं अब आपको किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दे सकता। मैं भूल जाना चाहता हूं कि मैं कभी राक्षस भी था। महाराज, हम तुम्हें फिर से राक्षसी वृत्ति अपनाने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो फिर क्या चाहते हैं आप मुझसे? तुम ताड़का यक्षिणी के पुत्र हो, जन्मजात तुम्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हैं। तुम जब चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हो। हम चाहते हैं कि तुम नया रूप धारण करके हमारा साथ दो। मेरी माता ताड़का यक्षिणी से राक्षसनी बन गई थी और इसी कारण मुझे राक्षसों में सम्मिलित हो जाना पड़ा था। परंतु अब मैं, हम जानते हैं कि तुम ऋषि बन गए हो। हम भी जन्मजात ब्राह्मण है महाराज, हम तुम्हारे ऋषि होने का सम्मान करते हैं। ये तुम हमें इस तरह क्यों देख रहे हो महाराज? तुम अभिमानी राक्षस राज लंकापति रावण होते हुए भी इतने विनम्र कैसे हो गए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं लंकेश। हम तुम्हें समझाते हैं, तुम इसी वन में आए हो जहां हमारी बहन शूर्पनखा अपने बेटे साम और खरदूषण के साथ आई थी लंकापति रावण का शासन सुदृढ़ करने के लिए। यह तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ हाँ, मैं ये जानता हूं कि खरदूषण और तुम्हारे उद्दंड राक्षसों ने मिलकर यहां शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे वनवासियों और ऋषि मुनियों पर अकारण अत्याचार किए और उसके फलस्वरूप राम ने उन्हें परलोक पहुंचा दिया। इस कथा को दोहराने से कोई लाभ नहीं है। नहीं, हम वो कथा नहीं दोहराएंगे। अब हम एक नई कथा का प्रारंभ करेंगे और उसके लिए हमें तुम्हारी आवश्यकता है। अब इस वन से राक्षसों का वर्चस्व समाप्त हो चुका है लंकेश। अब इस झूठी आशा में मत रहो कि इस दंडकारण्य में फिर से तुम्हारा शासन स्थापित हो जाएगा। अरे तुम भूल गए हो कि तुम हमारे कल भी आदिन थे और आज भी हो। तुम हमारी वरदान शक्तियों को भुलाकर हमसे अभद्र व्यवहार कर रहे हो। अब हम तुम्हें समझाएंगे नहीं, आदेश देंगे। हाँ हाँ, यही तो मैं चाहता था कि तुम अपने असली रूप में आओ। अब दो आदेश, क्या करवाना चाहते हो तुम उससे? तो सुनो, तुम एक अद्भुत स्वर्ण मृग बनकर राम की कुटिया के आसपास चौकड़ी भरोगे और सीता को लुभाने का प्रयास करोगे। उसको पकड़ कर लाने के लिए तुम राम और लक्ष्मण को विवश कर दोगे। लंकेश, क्या तुम्हारी राक्षसी शक्ति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है जो तुम इस कपट का आश्रय लेना चाह रहे हो? राम के चमत्कारी अस्त्रों शस्त्रों से टकराना मूर्खता होगी। हम झूठे अभिमान में आकर पहले जैसी मूर्खता नहीं करना चाहते। स्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं कहते लंकेश कि तुम मेरी मृत्यु चाहते हो? अरे, तुम्हें हमारा आदेश स्वीकार है या नहीं? नहीं नहीं लंकेश, ना, मैं इस कपट योजना में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। और वैसे भी राम ऋषियों की रक्षक है और मैं भी एक ऋषि हूं। मेरी अंतरात्मा इस कपट का खेल खेलने को तैयार नहीं है और हम भी अपने आदेश की अवहेला सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं। महाराज, यदि तुमने हमारी आदेश की अवहेला की तो हम इसी समय इसी खड़क से तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। रावण के हाथों पड़ने से तो
श्री राम के हाथों मरना कहीं अच्छा है। तेरा उद्धार तो हो जाएगा, हाँ तेरा उद्धार हो जाएगा मारीच। ठीक है लंकेश, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूं।